आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शुक्रवार की देर रात एक बार फिर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की संवेदनशीलता उस समय देखने को मिली जब कलेक्टर शहर का जायजा लेने सड़क पर उतरे। कलेक्टर ने बेघर निराश्रितों को ठंड से बचाने के लिए रेन बसेरा पहुंचाया। सुशासन सप्ताह में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी शुक्रवार अर्धरात्रि शहर निरीक्षण के लिए निकले। इस दौरान विभिन्न स्थानों फुटपाथों पर सोते मिले बेघर निराश्रित व्यक्तियों को ठंड से बचाने के लिए कलेक्टर ने मैजिक वाहनों के जरिए रेन बसेरों में पहुंचाया। सोते पाए गए लोगों को उठाकर कलेक्टर ने समझाया कि ठंड से आपको नुकसान हो सकता है, खुले में नहीं सोएं, प्रशासन आपके लिए व्यवस्था कर रहा है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट, CSP हेमंत चौहान, निगम स्वास्थ्य अधिकारी APC सिंह, थाना स्टेशन रोड TI किशोर पाटनवाल, थाना औद्योगिक क्षेत्र TI राजेंद्र वर्मा, नायब तहसीलदार मनोज परमार, KB शर्मा तथा निगम एवं पुलिस का अमला मौजूद था। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एवं अधिकारी कर्मचारियों ने शहर के कालिका माता परिसर, दोबत्ती स्टेडियम मार्केट क्षेत्र तथा रोडवेज बस स्टैंड क्षेत्र में पहुंचकर निरीक्षण किया। कलेक्टर के निर्देश पर निगम द्वारा निराश्रित व्यक्तियों के लिए रेन बसेरों में बिस्तर इत्यादि के उचित इंतजाम किए गए। लोगों को ठंड से बचाने के लिए उचित स्थान देने के लिए कलेक्टर का अभियान लगातार जारी रहेगा। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मीडिया को बताया। देखिए, आपको विदित है कि जो हम लोगों ने आज देखा कि शहर में काफ़ी जो विभिन्न कामों में लगे लोग हैं या जो कोई भिक्षा भक्ति करते हैं या बाहर से आके यहाँ किसी भी किन्हीं व्यर्थ के कारणों से यहाँ पे लोग रुके हैं, उन लोगों को आज पुलिस में SP साहब और हम लोग सब निकले हैं और उनको रेन बसेरे में पहुँचाने की कार्रवाई हम लोगों ने की है। ये निरंतर रूप से होनी भी चाहिए और चूँकि अभी काफ़ी ठंड हो रही है और ठंड को देखते हुए इनका सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है, तो नगर पालिका में कमिश्नर साहब हैं और उनकी पूरी टीम है, तो इनको हम लोगों ने इनसे निवेदन करके इनसे अनुरोध किया है कि ये अपने वहाँ रेन बसेरे में निवास करें। और खूब सारे लोग तो यहाँ पे बाहर के भी है जो उनके बच्चों ने उनको यहाँ पे रहने पहुँचाया है, तो ऐसे लोगों को हम पता भी कर रहे हैं कि किसने अपने बच्चों को यहाँ पे पहुँचाया है, उनके नाम इत्यादि भी नोट करें, तो उनके बच्चों के खिलाफ भी हम लोग जो माता पिता का भरण पोषण अधिनियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। और जो सरकारी तरीका है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बताते हैं कि सभी लोगों को रेन बसेरे में व्यवस्थित तरीके से रखा जाए, उसका भी हम यहाँ पे पालन कर रहे हैं। शहर में लगता है पुलिस का खौफ अपराधियों पर नहीं है। दिन दहाड़े ही वारदात होने से आम लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। शनिवार दोपहर करीब 1:12 पर महू रोड स्थित वाजपेयी पेट्रोल पंप पर दो युवक एक नया वाहन लेकर वाहन में पेट्रोल भरवाने पहुंचे। पेट्रोल भरवा कर युवकों ने पैसे देने के बजाय चाकू निकाल लिया और पेट्रोल पंप कर्मचारी को चाकू दिखाते हुए धमका कर बगैर पैसे दिए फरार हो गए। वाजपेयी पेट्रोल पंप पर हुई पूरी वारदात पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। पेट्रोल पंप कर्मचारी सुमेर सिंह मामले की रिपोर्ट लिखवाने स्टेशन रोड पुलिस थाने पेट्रोल पंप संचालक के साथ पहुंचे। मामले की जानकारी देते हुए फरियादी पेट्रोल पंप कर्मचारी ने बताया। सुमेर सिंह चौहान, कहाँ रहते हो? मैं बरवन के। क्या हुआ अभी आपके साथ, किस तरह की घटना हुई है? तीन जने गाड़ी पे सवार होकर आए थे पेट्रोल भराने के लिए। पेट्रोल भराया, जब पैसे मांगे तो बोले, मैंने बोला कि पैसे मांगे तो बोले कि पैसे नहीं है। और कौन है? मैंने बोला मैनेजर से, आप जाके ना बात करो। तो मैनेजर को बोला तो मैनेजर को मानने के लिए गए और मैंने पैसे मांगे तो जैकेट निकाल के मैं उसमें से चक्कू बताया, मेरे को चक्कू बताया, जान से मारने की धमकी दी और पेट्रोल भरा के और फरार हो गए। 1300 रुपये का पेट्रोल भराया, 1300 ने 30 रुपये का पेट्रोल भराया था। इस मामले में पुलिस ने बताया घटना हुई है। सर क्या घटना है? हाँ, अभी आए सुमेर से आए, उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप पर कोई तीन व्यक्ति आए थे और बिना पैसे दिए उनको डरा कर पेट्रोल डला के चला गया, जिसके लिए अभी तस्दीक कर रहे हैं उनकी। तिलबहार चौराहे पर बाइक सवार तीन बदमाश राह चलते एक छात्र का मोबाइल छीन कर गाड़ी तेज भगा कर निकल गए। छात्र ने बदमाशों की बाइक के नंबर नोट कर स्टेशन रोड थाना पुलिस को बताया। पुलिस ने दो को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने बताया कि झाबुआ जिले का नरवालिया निवासी सूरज पिता
जगला अमलियार नीमच जिले के डिकेन स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ता है। ट्रेन आने में देरी थी, इसलिए वह सभी नाश्ता करने के लिए दिलबहार चौराहे पर आ गए। बाइक पर सवार तीन बदमाश आए और सूरज अमलियार के हाथ से मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर तलाश की तो दो बदमाश मनीष पिता दिनेश मेड़ा व रमेश पिता मांगेलाल चरपोटा को गिरफ्तार किया। श्रीपाल उर्फ ठाकुर की तलाश की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी सचिन डावर ने बताया, घटना हुई थी मोबाइल की। उसके साथ में वो रतलाम में आया था। रतलाम में आने पर तीन बाइक सवारों ने उससे मोबाइल छीनकर भाग गए थे। सर 100 डायल भी मौके पे पहुंची थी, वहाँ से लेके आई थी। 100 डायल मौके पे पहुंची थी, लेकिन वहाँ पर बता रहे थे एक्सीडेंट हुआ है करके उनको लेके आए थे। उनसे पूछताछ की थी, लेकिन वो घटना के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे रहे थे। लेकिन उनसे संगमदा से पूछताछ की गई तो वही लोग निकले हैं। उनसे मोबाइल और बाइक बरामद हुई है और उनका एक साथी है, वो फरार है अभी। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये? मूलतः बांसवाड़ा के रहने वाले, छोटी सरबन के। सर पहले भी कोई अपराध वगैरह, चोरी की कोई लूट की घटना वगैरह? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन आज उनको रिमांड लिया जा रहा है और अगर कुछ बताते हैं तो उसका रिकॉर्ड किया जाएगा। सर थाना स्टेशन रोड क्षेत्र में पहले भी लूट की वारदात हो चुकी है, इसमें इनसे पूछताछ की जाएगी? हाँ बिल्कुल की जाएगी, तो संबंधन की जाएगी, अगर ये निकलते तो फिर कार्रवाई की जाएगी। त्रिवेणी तट पर चल रहे महारुद्र यज्ञ में प्रतिदिन आहुतियां दी जा रही है। शुक्रवार को गंगाजल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। महिलाओं ने पवित्र कुंड से कलश में जल भरकर बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा में शरीक हुई, जो त्रिवेणी तट पर स्थित आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा पर पहुंचकर जलाभिषेक किया गया। ढोल धमाकों के साथ निकली यात्रा में हर हर गंगे जय जय शिव शंकर के जय घोष लगते रहे। त्रिवेणी तट पर चल रहे 69वां महारुद्र यज्ञ के 10वें दिन 21 भूदेवों के मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी गयी। इस मौके पर तुलादान का आयोजन भी किया गया था। रतलाम जिले में दो यज्ञ ऐसे हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बाज तोड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों की शहादत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, जिसके तहत पूरे देश में 20 दिसंबर से 29 दिसंबर तक वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर शैक्षणिक विकास समिति द्वारा वीर बाल दिवस को सफर ए शहादत के रूप में मनाया जा रहा है। समिति अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह, सचिव अजीत छाबड़ा, प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह भामरा ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा चोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह थे। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध मुगलों से चमकौर में हुआ, इसमें 10 लाख मुगल सैनिकों से केवल 40 वीर सिखों ने लोहा लिया। चमकौर की लड़ाई में
गोविंद सिंह जी के चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह व बाबा जुजार सिंह शहीद हुए। वहीं सरहंद सुबह मुगल वजीर खान ने बाबा जोरावर सिंह व फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। इतना जुल्म होने के बाद भी सिखों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया तथा हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए पंथ के लिए शहीद हो गए। वहीं मुगल गुरु गोविंद सिंह जी को छू भी नहीं पाए। चार साहबजादों की शहादत के बारे में श्री गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल न्यू रोड तथा शास्त्री नगर में विद्यार्थियों को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस अवसर पर शहादत से संबंधित प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। मरना कबूल किया, वो भी किसके लिए? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। जब किसी को ये मौका मिलता है, एक तरफ जीवन है और एक तरफ मौत है, तो जब वो मिलता है तो उसका मतलब वो शहादत होती है। अगर किसी को मार दिया जाता है तो हत्या होती है, किसी की बलि चढ़ाई जाती है तो बलिदान। किसी भी वारदात या अपराध होने की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचने वाली डायल 100 खुद कठिनाई के दौर से गुजर रही है। डायल 100 के पायलटों का वेतन नहीं मिलने से पायलटों के परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि 100 डायल लेकर मौके पर पहुंचने वाले पायलट चालकों के सामने वेतन नहीं मिलने के लाले पड़े हैं। करीब 2.5 महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिलने से ये कर्मचारी अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। बीमारी में इलाज, स्कूल की फीस सहित परिवार का खर्च नहीं उठा पाने से ये चालक अब मानसिक रूप से त्रस्त और तनाव में रहते हैं। 20 पायलट डायल 100 FRB पर कार्यरत हैं, जिन्हें प्रोजेक्ट एक्सटेंशन नहीं होने से वेतन नहीं मिलना बताया जा रहा है। डायल 100 का संचालन भारत विकास ग्रुप द्वारा किया जाता है। ग्रुप का नया अनुबंध नहीं होने से डायल 100 पर तैनात चालक पायलटों को वेतन नहीं दिया गया है। वेतन की मांग को लेकर हड़ताल की सूचना की भनक लगते ही जोनल हेड रिटायर्ड DSP राम लखन भदौरिया रतलाम पहुंचे और पुराने कंट्रोल रूम में डायल 100 के पायलटों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए जोनल हेड रिटायर्ड DSP राम लखन भदौरिया ने बताया, मीटिंग हमारी रेगुलर मीटिंग है जो हम अक्सर हर महीने कोशिश करते हैं मीटिंग लेने के लिए, और इस मीटिंग में हम अपने जो ड्राइवर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, इनसे बैठ के मेंटेनेंस वगैरह के जो भी संबंधित उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनको समझाते हैं। सर, सैलरी का लगातार इशू आ रहा है, कहीं पायलटों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, कहीं 3 घंटे तक जो डायल 100 जो है बंद पड़ी रही, डायल 100 का संचालन नहीं हो पाया है। नहीं, डायल 100 कोई बंद नहीं रही है, कुछ मेंटेनेंस को लेके कुछ इशू हुआ था जिसको लेके गाड़ियां उन्होंने ऑफ हुई हैं, उनकी मेंटेनेंस करवाना था। कोई सैलरी के इशू को लेके तो गाड़ियां बंद नहीं रही हैं, बाकी सैलरी का कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, लड़कों को, उनका कहना है कि सैलरी थोड़ी हमारी अभी नहीं आई है, तो वो प्रोसीजर में है, उनको समझा दिया गया है कि उनकी सैलरी जल्दी से जल्दी मिलेगी। सर, जिले में कितने पायलट है और कितनी सैलरी बकाया है, कितने लोगों की सैलरी? जिले में हमारी 20 FRBs है, जिसमें से 19 आज की तारीख में 100 है, और हर FRB पे 3 ड्राइवर्स रहते हैं। सर, नाम राम लखन सिंह भदौरिया, जोनल हेड हूँ मैं, रिटायर्ड DSP। सर, कहीं कहीं 100 डायल पहुँच नहीं पाती है, समय पे फोन लगते रहते हैं। नहीं, ऐसी शिकायत तो मुझे कभी नहीं मिली। बाई चांस की बात है, कभी हो सकता नहीं पहुंची हो, तो अगर उसके संबंध में बताया जाता है तो हम रेडियो डिपार्टमेंट से इसको सारा चेक कर लेते हैं कि कारण। परसों के दिन एक महिला लड़की ने फ़ोन लगाया था 100 डायल पे, जिसके बिल पाक के 100 डायल पे, तो पहुँच नहीं पाई थी। उस संबंध में अगर कोई प्रॉब्लम रही होगी तो अगर मेरी जानकारी में आ गया तो बिल पाक से इस संबंध में FRB से बात करूँगा कि क्यों लेट हुई। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।